जंगल अलग ही फील देता है, क्योंकि जंगल जो है हर दिन और हर रात एक अलग रहस्य छिपाए हुए रहता है। हाँ। और ये थोड़ा सा नज़दीक होता जा रहा है जंगल, जंगल पास होता जंगल है। ऐसा लग रहा है हमारे पास आता जा रहा है, हमें घेरता जा रहा है। क्या है, हाथी तो नहीं है? देख भाई गाड़ी खड़ी है, रुक जा रुक जा, दो दो गाड़ी क्यों, डिपर दे यार, उसको डिपर नीचे नहीं कर रखा, सर्च कर ले, आवाज़ तो आ रही। पेड़ गिरे हैं यार अंदर, पूरे पेड़ गिरा रखे हैं हाथियों ने। ओ भाई का कहना है कि जंगल और जंगल के रास्ते दिन में बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जंगल जितना दिन में खूबसूरत है उतना ही रात में भी। तो दोस्तों, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो जब भी समय मिलता है तो मैं निकल पड़ता हूं अपने कैमरे के साथ वीडियो बनाने जंगल के रास्तों पर, जंगल की खूबसूरती के बीच। और जब भी कोई वाइल्ड लाइफ रास्ते में मिलती है तो उसे मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर लेता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So let's go for finally ये वाटर स्लाइड आ चुका है, मतलब वाटर क्रॉसिंग हमें करना पड़ेगी। तो देखते हैं ये लोग निकल रहे हैं, तो आप खुद देख सकते हैं ढाल कितना है, ढाल और पानी कैसा जा रहा है। और बारिश आज ढंग से हुई नहीं है लेकिन पहाड़ों में हुई है। चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाह। तो पानी कुछ ऐसा आ रहा है, तो आज उस दिन जैसा तेज़ नहीं है, थोड़ा हल्का है क्योंकि इसमें पत्थर नहीं है। तो यहाँ से क्रॉस तो कर लिया है, अब मिलते हैं आपसे जंगल में। तो व्लॉग की शुरुआत यहीं से ही कर देते हैं, क्योंकि जंगल स्टार्ट होने से पहले ही हमें मिल गई है एलिफेंट की ड्रॉपिंग। आपने मूसा बंगर का जंगल का नाम सुना होगा, और यह है केशव बंगर। यहाँ का भी एक पुराना व्लॉग है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन वो मॉर्निंग का है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और हम जा रहे हैं मूसा बंगर के जंगल में, यह है इसकी एंट्री। तो बढ़ते हैं आगे, तो स्वागत है आपका अलग व्लॉग में। काफ़ी दिन से आप लोग डे व्लॉग देख रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन गलती हमारी भी नहीं है, हमने आपको रीज़न बता दिया था। एक बार लाइव आए थे हम, और आपको पता ही है कि यहाँ बारिश थम नहीं रही थी। अब भी देखिए रोड गीली है और बादल सर पर टंगे हुए हैं, तो बारिश का कुछ पता नहीं कब हो जाए। तो फटाफट हम अपने इस व्लॉग को कम्प्लीट करते हैं, अपने नाइट ड्राइव काफ़ी दिनों से हम देख भी नहीं पाए हैं, आप भी नहीं देख पाए हैं, तो सोचा आया जाए। फ़िलहाल हम हैं अभी मूसा बंगर के जंगल में, जो कि पूरा जाएगा आगे बोर गेट तक, काला डुंगी के जंगल तक, पूरा ये काला डुंगी का जंगल ही कहलाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें लाइट्स आपको इसलिए कम लगती हैं, आपने देखा होगा पवलगढ़ के जंगल में हम जाते हैं तो उसमें रोशनी टकराकर रोड पर ही रहती है। क्यों? क्योंकि साइडों में रोड के सागौन के पेड़ हैं बहुत सारे, और यहाँ जो देख रहे हैं आप ये हैं सब साल के पेड़, बहुत बहुत पुराना पेड़ है और काफ़ी हाइट है इनकी पेड़ों की। यह है कि रोड है चौड़ी और जंगल है थोड़ा थोड़ा दूर, जैसे राइट हैंड साइड भी थोड़ा दूर और देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी थोड़ा दूर। तो ये है प्रॉब्लम थोड़ी सी कि लाइट इसमें थोड़ी कम दिखती है।
बारिश की वजह से रोड जो उसमें नमी सोख लेती है उसमें वो काली लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो रीज़न यही है। और काफ़ी दिनों बाद हम भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। जंगल पूरा शांत है, आज तो जुगनू भी बहुत मुश्किल से ही दिख रहे हैं, नहीं है जुगनू है ना, एक एक दो दो दिख रहे हैं बस। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये वही जंगल है जो हमने आपको दिन में भी दिखाया है, जहाँ डियर्स, मंकीज, वुड पैकर्स एक्सेट्रा। तो आप खुद सोच सकते हैं और देख सकते हैं कि दिन में क्या रंग है इस जंगल का और रात में क्या रंग है। तो रंग रूप सब बदल जाता है, सिर्फ सूरज के उगने से लेके छिपने तक का है दिन, और ये आपके सामने है रात। हाँ काफ़ी टाइम बाद आए हैं ऐसा लग रहा है, फीलिंग सी मतलब एक जैसे रोज़ आ रहे थे हम, उस हिसाब से नहीं आ पाए, तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से बिल्कुल आए ही नहीं हम यहाँ पे, है ना। हाँ तो दूर नहीं रहा जाता है इन जंगलों से। और रीज़न आपने देखा ही, हमने बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि वाटर क्रॉसिंग जिसमें पानी आया हुआ था उसको हमने क्रॉस करा, और काफ़ी ढाल था, आपने पानी के झाग बनते हुए देखे होंगे तो मैंने आपको दिखाए। तो बहुत रिस्की है, लेकिन पानी कम था थोड़ा, उसमें से हम निकल गए क्योंकि और लोग भी जा रहे थे। पिछली बार जो मैंने आपको लाइव स्टोरी बताई थी लाइव स्ट्रीमिंग में, तो इंसिडेंट तो अलग था, पानी का लेवल ज़्यादा था इस वजह से और फोर्स भी। बाकी हम आते हैं घूम कर जंगल की ओर, लेफ्ट हैंड साइड अगर मुझे इसमें कैमरे में दिखता ना तो मैं दिखाता भी, कोई बात नहीं हमें तो रोड पर चलना है। लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने दिन में दिखाया था कि बारिश का पानी रोड के किनारे किनारे चलता है साथ साथ, जी हाँ, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रोड पर भी आ जाता है। बाकी जंगल बहुत खूबसूरत है, यहाँ के वातावरण में आकर सुकून मिलता है। ये आ गया है थोड़ा सा कोर एरिया राइट हैंड साइड, पूरा यहाँ जाना मना है अंदर। अब जंगल ना थोड़ा पास हो गया रोड। हाँ अब थोड़ी सी रोड की चौड़ाई तो उतनी है लेकिन जंगल जो है पास हो गया है। अभी तक साल के पेड़ थे तो थोड़े दूर दूर लग रहा था, चौड़ा सा लग रहा था जंगल। अब देखिए रोशनी आपको दिख रही होगी, तो ये है थोड़ा सा रीज़न। बाकी दिन और रात में इसी जंगल में कितना अंतर लगा जिसने हमारी वो वीडियो देखी, हवा की खुशबू, आहा मज़ा आ गया को महसूस करें। क्या है, आती तो नहीं है, देख भाई गाड़ी खड़ी है, रुक जा दो दो गाड़ी क्यों, डिपर दे यार, इसको डिपर नीचे नहीं कर रखा, सर्च कर ले,
आवाज़ तो आ रही। पेड़ क्यों गिरा हुआ? तो अगर ये इतनी दूर रुके हुए हैं तो हम के मुंह पे तो नहीं रुक रहे, साइड में मारो। क्या है यहाँ पे? चलो चलो, अरे क्या पता हाथी हाथी हो। निकल गए? कार तो निकल गई, खड़े क्यों थे ये? हाँ पेड़ तो गिरे हुए हैं। पेड़ गिरे हैं यार, अंदर पूरे पेड़ गिरा रखे हैं हाथियों ने। ओ भाई, तो डार्क फॉरेस्ट हो रहा पूरा। तो दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड है एलिफेंट कॉरिडोर, और ये जगह देख रहे हैं आप, जगह जगह मुझे पत्ते बिखरे वो क्यों लग रहे हैं? इसका मतलब एलिफेंट की मूवमेंट है। पेड़ भी गिरे थे अंदर, है ना, और वो लोग खड़े थे, पता नहीं क्या देख रहे थे। दो कारें खड़ी थी दोस्तों, एक तो वो लोग डिपर डाउन नहीं कर रहे थे, जो दो कारें थी। हम सोच रहे कि ये लाइट नीचे करें तो हमें कुछ दिखे, इसलिए हम भी टेंशन में थे, क्योंकि पेड़ साइड में गिरा हुआ था तो हमें लगा कि एलिफेंट है। और टहनी चटकने की भी उसी वक्त आवाज़ भी आई एक लेफ्ट हैंड साइड से, तो मुझे लगा कि हाँ आसपास हाथी हो सकता है, तो डर लग रहा था कि पीछे ना हो, तो इसलिए मैंने फ्लैश लाइट अपनी निकाली और उसका यूज़ किया। ये मेन पर्पस यही रहता है अपने फ्लैश लाइट का, कि कोई वाइल्ड लाइफ है उसको देखने में काम आ जाती है, कि अगर आसपास होगी तो। हमें तो चलते रहना रोड पर अपना, अब वो डिपर नीचे नहीं कर रहे थे इसलिए मैंने अपनी फ्लैश लाइट निकाली और लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड देखा कहीं हाथी तो नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी एक नहीं तो वो पूरा पूरा झुंड होता है और वो घेर लेता है। और ऐसा कोइंसिडेंस कहाँ हुआ था याद आ रहा मुझे, हमारे फादर के साथ हुआ था जब हमारी मदर को लेके ट्रीटमेंट के लिए सावलदे गए थे। अगर किसी ने नाम सुना होगा सावलदे, जी हाँ, ढेला के पास है, जहाँ ढेला रेंज है, जिससे झिन्ना रेंज में भी जाया जाता है, झिन्ना जोन और ढेला जोन, तो ढेला गेट है। तो उस रोड पर सावलदे नाम की एक जगह है, छोटा सा गांव है, वहाँ एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए गए थे। तो वापसी में हाथियों ने हमारे फादर को ही नहीं, काफ़ी गाड़ियाँ रुकवा रखी थी रोड पर, और गंदी स्मेल है ना, तो हो सकता है आसपास कोई बॉडी या कुछ पड़ा हो, उसकी स्मेल बहुत गंदी आ रही है, क्या पता। ये देखिए पेड़ टूटे हुए हैं, तो टाइगर या लेपर्ड ने हो सकता है खाकर छोड़ा हो। टाइगर या लेपर्ड एक बार में अपना शिकार थोड़ी खाते हैं पूरा। मुझे ऐसा लगा बार्किंग की आवाज़ आई, अच्छा क्लच की थी ना, वह मैं डर जा रहा हूँ। चलो, ऐसा होता है जब आप लॉन्ग टाइम तक जंगल से छूटते हैं ना, थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो फिर डर बन जाता है, है ना। हाँ, और ये थोड़ा सा नज़दीक होता जा रहा है जंगल, पास होता जंगल ऐसा लग रहा है हमारे पास आता जा रहा है, हमें घेरता जा रहा है। एक कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, जो हमारे छोटे भाई का सवाल है कि टाइगर अपने शिकार को एक बार में फिनिश कर लेता है या उस रख कर खाता है। जैसे जैसे जंगल नजदीक होता जा रहा है थोड़ा आते बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम आए नहीं हैं जंगल में, हम आते हैं और प्रॉपर व्लॉग भी बनाए हैं, लेकिन हर दिन जंगल अलग ही फील देता है, क्योंकि जंगल जो है हर दिन और हर रात
एक अलग रहस्य छिपाए हुए रहता है। ये बॉर गेट आ चुका है और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नाइट ड्राइव में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।